आप देख रहे हैं यू फॉर यू लाइव। डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता एक प्राइवेट फंक्शन पर यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आज होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह कश्मीर दौरे पे हैं, उसके बाद जम्मू के दौरे में रहेंगे, राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, क्या लगता है जो कश्मीर घाटी के अंदर ऑपरेशन सस्पेंड किया गया था, क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा? ऐसा है कि हमने एक ऑफर दी थी रमज़ान के महीने में, हमें उम्मीद थी कि उधर से भी हमें रिस्पांस मिलेगा, लेकिन बीच बीच में रिस्पांस मिला भी, लेकिन फुली रिस्पांस जिस प्रकार से होना चाहिए तो नहीं मिलेगा। हमने ये कहा था कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, अगर उधर से गोली आती है तो उसका जवाब तो देना ही तय। सर एक और सवाल है मेरा, आपकी टाइम बीजेपी की सरकार ने कहा था कि बॉर्डर एरिया पे 5-5 मरले दिए जाएंगे, अनाउंस किया गया था, अभी तक उसको लेकर कुछ नहीं किया गया। आज गृह मंत्री आए हैं, 415 करोड़ रुपया पहले रिलीज किया गया है, उस पर जो भी कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाएंगे और भी जिनके घरों में भी बंकर, इस प्रकार का काम। पीडीपी आज सेपरेटिस्ट लीडर से बात किया है बैकडोर, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। सर पहली बार हुआ है कि होम मिनिस्टर जी कश्मीर के दौरे पे हैं और हुर्रियत ने बंदी खोलने की है, आपको लगता है कि जो टॉयलेट टॉक चल रहे हैं वो पॉजिटिव साइन है? पहली बार हुआ है कि हुर्रियत ने बंद की कॉल नहीं किया राजनाथ सिंह के दौरे पे। कहते हैं कि कश्मीर में सदा के लिए अमनो चैन हो, उसके लिए एक शुरुआत की गई है, मुझे लगता है इसके रिस्पांस में वो भी सभी चाहते हैं। जिस प्रकार से हुर्रियत के लीडर्स पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं, जो पिछले दिनों आपने वीडियो देखी, तो मुझे लगता है कि कश्मीर की जनता को इस बारे में सोचना चाहिए और हम सबको मिलकर के, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों चाहे सिविल सोसाइटी हो, कश्मीर में अमन शांति लाने के लिए सभी को इकट्ठा प्रयास करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से सीज फायर चल रहा था, क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा? कल ईद है, हम तो कहते हैं हमेशा के लिए सीज फायर रहे, इस प्रकार की घटनाएँ ना हो, तो लेकिन एक तरफा कभी नहीं होता, जब उधर से भी होगा तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी, जिन्होंने साफ किया है कि जिस तरह से पहली बार होम मिनिस्टर दिल्ली से जो मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे पे आता है और पहली बार ऐसा हुआ है कि सेपरेटिस्ट ने बंद की कॉल नहीं दी गई, इसको एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है। जिस तरह से पहले सेंटर ने ये साफ किया था कि डायलॉग के लिए सेपरेटिस्ट के साथ एक पॉजिटिव साइन दिखाया था और हुर्रियत ने भी बंद का कॉल नहीं किया, तो ये कहां तक ये डायलॉग संभव हो पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। और जिस तरह से हमने उनसे बात की, जिस तरह से सीज फायर चल रहा था कश्मीर में रमज़ान के महीने को लेकर, तो क्या उसको एक्सटेंड किया जाएगा? उनका साफ कहना था कि हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की वारदातें वहाँ पर हों, अगर पॉजिटिव साइन रहे तो इसको आगे बढ़ाना ये चाहते हैं कि शांति कश्मीर में बनी रहे। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, यू फॉर यू के लिए। Thank you.